सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल विक्की ओन व्हील्स। तो कैसे हो गाइज आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो गाइज अपने पीछे खड़ी है R15M यमहा की 2023 मॉडल और KTM की RC 200, जो कि हाल ही दोनों ही अभी 2023 मॉडल है, अभी जल्दी जल्दी लिए भाई लोगों ने। आप लोगों को तो पता होगा ये अभी आई है, एक दो महीने पहले ही आई हुई है। तो भाई सबसे पहले मैं इन दोनों गाड़ियों का बता दूं कि मैं कंपेरिजन करने वाला हूं, मतलब आपको कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए इस बिहार पे बताता हूँ। और सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे प्राइस की। तो भाई ये दिल्ली में आपको ऑन रोड 2,40,000 रुपये की मिल जाती है और यहीं पे R15 आपको मिल जाती है 2,30,000 रुपये की, TFT डिस्प्ले वगैरह में मिल जाती है। ये भी आपको डिजिटल मीटर मिल जाता है। और यहीं पे बात करूँगा मैं इनमें, तो आपको दोनों ही गाड़ियाँ फुली डिजिटल मिल जाती हैं, LED सेटअप वगैरह मिल जाता है, आगे की जो लाइट वगैरह है वो भी आपको LED में मिल जाती है, इंडिकेटर भी LED में मिल जाता है। इस गाड़ी में भी आपको ये DRL हो गई, आगे के लैंप वगैरह हो गए, इंडिकेटर हो गए, पीछे की टेल्ट ID हो गई, दोनों की ही आपको LED सेटअप में मिल जाती है। और यहीं पे मैं अगर टायर की बात करूं तो भाई इसमें फ्रंट का टायर 100 सेक्शन का मिल जाता है और इसमें 110 सेक्शन का मिल जाता है। और पीछे की बात करूं तो भाई उसमें आपको 150 सेक्शन का टायर मिल जाता है, इसमें 140 सेक्शन का टायर मिल जाता है। और दोनों ही ड्यूल चैनल ABS हैं, दोनों के ही अच्छे खासे ABS चलते हैं, मतलब इस गाड़ी का जो ABS है बहुत भाई 80 times काम करता है, बट इस गाड़ी का जो ABS है वो थोड़ा लेट काम करता है, पीछे का मतलब बहुत जल्दी लगने लगता है इसका भाई, जब आपको जैसे ज़रूरत पड़ेगी ना तभी काम करता है। और टायर के ग्रिप बता दूं भाई, दोनों ही गाड़ियों के टायर बहुत ही बढ़िया है। आगे के सस्पेंशन की बात करते हैं, पर भाई यहीं पे सस्पेंशन की बात करूं तो दोनों में आपको सेम सस्पेंशन मिल जाते हैं USD के, जो कि बहुत ही अच्छा काम करते हैं। आगे पीछे के दोनों के कहीं भी जैसे गड्ढे हुए या कुछ हुआ, आप लोगों को ज़्यादा झटके नहीं मिलते हैं। और यहीं पे अगर इन दोनों की सीट हाइट की बात करूं तो भाई इसकी 820 mm की सीट है और इस गाड़ी की आपको 815 mm की सीट मिल जाती है। और यहीं पे मैं इंजन की बात कर देता हूं गाइस, तो इसमें आपको मिलता है 199cc का इंजन और इसमें मिलता है आपको 155cc का इंजन मिल जाता है। और माइलेज की यहीं पे बात करूं तो भाई ये दे देती है आपको 35 की माइलेज, ये दे देती है 35 प्लस ये माइलेज दे देती है, तो माइलेज में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, मतलब थोड़ा है। और अगर फीचर की बात करें तो भाई इस गाड़ी में ज़्यादा फीचर मिल जाते हैं और यहीं पे कहीं देखा जाए तो इस गाड़ी में कम फीचर मिलते हैं। इसमें आपको क्यू सीटर मिल जाता है, BB एक्टिवेट मिल जाता है, TCS मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है और फुल्ली डिजिटल आपको कलरफुल मीटर मिल जाता है। एक बार मैं आपको मीटर दिखा देता हूँ भाई, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। R1 का जो मीटर आता है ना गाइस, उस तरीके का इसका मीटर है। इसमें आपको फ्यूल इंजेक्टर मिल जाता है, RPM मिल जाता है, कितने रेस पे चली है वो मिल जाता है, और आपको न्यूट्रल है ये सब मिल जाता है, गियर बॉक्स गियर दिखा देता है, TCS वगैरह क्यू शिफ्टर वगैरह इसमें आपको यहीं पर दिखा देता है। और यहीं पर टैंक की बात मैं करूं तो भाई इसका आपको 11.5 या 12 लीटर का टैंक इसका है और 12.5 लीटर का टैंक इसका है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाई दोनों का ही टैंक सेम ही है। और लाइट की विजिबिलिटी की बात करूं तो भाई इस गाड़ी का थोड़ा लाइट विजिबिलिटी कम है, इस गाड़ी का मतलब आपको अच्छा मिल जाता है, जो आगे का फ्रंट का मतलब व्यू आता है वो अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। यहीं गियर बॉक्स की बात करता हूं तो भाई इसमें 6 speed के गियर बॉक्स मिल जाते हैं, उसमें भी आपको 6 speed के गियर मिल जाते हैं और दोनों ही गाड़ी सिंगल सिलेंडर है, कूलेंट वाली। और यहीं पे अगर भाई मैं सीट कंफर्ट की बात कर दूं तो कहीं ना कहीं इस गाड़ी की सीट ना भाई बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और उस गाड़ी की सीट थोड़ा मुझे कंफर्टेबल लगती है, मेरे भी पास यही है, बट कहीं ना कहीं इस भाई ने मुझे ऐसा लग रहा है पुशिंग करवा रखी है और ये टूरिंग पर्पज़ से बना रखी है भाई ने, पूरा मतलब पीछे बाकायदा ये चीज़ लगा रखा है, जो भी अपना ये सेफ्टी वगैरह के लिए वो क्रैश गार्ड वगैरह लगा रखा है। और भाई कहीं ना कहीं इन दोनों ही गाड़ियों पे पीलियन के साथ आप लोगों को दिक्कत फेस करने के लिए मिल जाती है। और भाई यहीं पे आ जाते हैं मिरर पे, तो भाई जो इसके मिरर हैं, जो पीछे की विजिबिलिटी है, मतलब पीछे का लुक, कौन सी गाड़ी आ रही है क्या आ रहा है वो सब कुछ बहुत बढ़िया दिखा देता है, इस गाड़ी में भी आते हैं यहाँ पे, बट भाई ने निकाल रखे हैं, जैसे कि ये लगा रखा है बट ये बेकार लगा रखा है भाई ने, कोई इसका मतलब यूजेज नहीं है, बेकार ही लगा रखा है। तो इसमें जो मिरर हैं वो भाई आप लोगों को कहीं ना कहीं पूरी विजिबिलिटी अच्छे से नहीं दिखाता और दिक्कत करता है। और यहीं पे अगर गाइस मैं आपको ज़्यादा पावर की बात बताऊं तो इस गाड़ी में आपको जो इसका इनिशियल है वो बहुत अच्छा है, इसका कहीं ना कहीं कम है, तो ये टॉप एंड में दोनों ही गाड़ियां आपस में मतलब टक्कर, ये भी अच्छा खासा इसको टक्कर दे सकती है, जो कि ये 199cc का इंजन है और वो 155cc का इंजन है, तो कहीं ना कहीं दोनों गाड़ियाँ इनिशियल में ये आगे निकल जाएगी, पर टॉप एंड में ये कहीं ना कहीं इसके साथ अपना पकड़ बना लेगी। और
इसकी ब्रेकिंग की बात जैसे मैं बता रहा था, तो भाई इसकी इस वजह से ब्रेकिंग अच्छी है क्योंकि इसके जो आगे के वो है जो आगे के डिस्क प्लेट है ना भाई, इसकी बड़ी है, तो जिस गाड़ी में जितनी बड़ी प्लेट होती है ना, उस गाड़ी के उतनी ही अच्छे ब्रेक होते हैं। और कहीं ना कहीं इस गाड़ी में आप लोगों को ना थोड़ा छोटे से मिल जाते हैं, जैसे कि उससे थोड़ा सा कम है, इस वजह से ब्रेकिंग थोड़ा सा इसकी कम है उस गाड़ी के हिसाब से। और गाइस एक बारी मैं आप लोगों को पीछे से इसका व्यू दिखा देता हूँ, मतलब पीछे से देखने में टेल टाइडी वगैरह इसकी कैसी लगती है। इसकी कुछ इस तरीके से लगती है भाई ने, ये थोड़ा तामझाम लगवा रखा है इसलिए थोड़ी भयंकर हैवी सी दिख रही है, और ये इस तरीके की दिख जाती है। और भाई मैं अपनी तरफ से बताऊँ ना, तो मुझे पीछे से क्या आगे पीछे कहीं से मुझे अच्छी नहीं लगती है, बट ये बहुत अच्छी लगती है। दोनों ही स्पोर्ट्स लुक में मिल जाती हैं आप लोगों को, जो कि अच्छी खासी देखने में वो ज़्यादा बेटर लगती है ये वाली आपकी। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।